हमारे साथ मौजूद है पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा जी। सर बताइए कि इंदौर में जो कोरोना वायरस की स्थिति है वो लगातार कोरोना वायरस के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना है सर कि क्यों स्थिति नियंत्रण में नहीं आ पा रही है? देखिए कोरोना वायरस का संक्रमण ये जितने आंकड़े आ रहे हैं ये बहुत कम है, क्योंकि जितना कम टेस्ट करा रहे हैं उतने ही आंकड़े आएंगे। यदि ईमानदारी की टेस्टिंग हो जाए तो मैं समझता हूँ आंकड़े बड़े हुए निकलेंगे। सवाल इस बात का है मध्य प्रदेश की सरकार ने, शिवराज चौहान बाबू की नेतृत्व वाली सरकार ने, जिन्हें कोई इस बात का अनुभव तो सही नहीं। दूसरी बात, तुलसी सिलावट को इंदौर संभाग का प्रभार दे दिया। अरे यही तो वो व्यक्ति है जो सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए बेंगलोर के रिसोर्ट में भाग गया था जी। बेंगलोर के रिसोर्ट में कई दिन रहा, प्रदेश और देश कोरोना के वायरस से ग्रसित होता जा रहा था जी। और ये हमारे बैठ के खरीद फरोख्त में लगे हुए थे, तुलसी सिलावट खुद बिक गए। उसी आदमी को जो फेलियर रहा उसी को आपने इंदौर जहाँ सबसे ज्यादा संक्रमण है कोरोना का उसी को दे दिया। तो ये सरकार की फेलियर नहीं है, शिवराज चौहान की सरकार की फेलियर। सर इस आदमी ने स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए ध्यान नहीं दिया, आज उसी को आप प्रभार दे रहे हो ऑफिस, जैसे ABCD आती नहीं है इस बात की। सर अभी कराए जी, देखा जा रहा है कि जो टेस्ट है, जैसे कि आपने कहा कि जो जितनी ज्यादा टेस्टिंग होगी उतने ज्यादा जो मरीज है वो निकल के आएंगे, तो सर मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं जो टेस्ट जो सैंपल कलेक्ट हो रहे हैं उनकी जांचें काफी पेंडिंग पड़ी है, अभी तक कई बैकलॉग इकट्ठा हो चुका है। बिल्कुल, तमाम सारे समाचार पत्र छाप रहे इस बात को, फिर भी शिवराज चौहान के समझ में आने लगी कि जितनी जल्दी से जल्दी टेस्टिंग करा लें तो सही आंकड़े आए और सही इलाज मिल पाए। कोरोना वायरस तो ठीक है, शिवराज सिंह चौहान में भी इतनी बुद्धि नहीं है, कोरोना से तो ठीक है, अन्य बीमारियों से भी इतने लोग मर रहे हैं क्योंकि आप हॉस्पिटल सारे लोग बंद करके भाग गए, बड़े बड़े नर्सिंग होम बड़े हॉस्पिटल वाले किसी मरीज को ले नहीं रहे, किसी को अस्थमा है, किसी को हार्ट की है, किसी को क्या क्या बीमारी, वो आंकड़े अलग है। पर इनको इतनी बुद्धि नहीं है कि हम तत्काल ये सारी व्यवस्थाएं, अपन जितना आपको उपकरण खरीदना हो महंगे दाम पे मिलते हैं खरीद लो, चिकित्सा के लिए उपकरण कर लो, लेकिन दुर्भाग्य है कि अनुभवहीन लोगों के हाथ में बागडोर चली गई है, क्योंकि फेल हुए पिछली बार तुलसी सिलावट, शिवराज जी फेल हुए, जनता ने नकार दिया था। अब मैं राजनीति नहीं करना चाहता, इसमें बहुत ज्यादा आलोचना भी नहीं करना चाहता, मैं सुझाव देना चाहता हूँ रचनात्मक विपक्ष की तरह कि भैया खजाना खोल दो प्रदेश का जी, कर लो व्यवस्था सारी, ये टेस्टिंग के लिए जहाँ भेजना हो दुनिया में तमाम लेव है फटाफट भेजो भाई, भारत में तमाम लेव है भेज के फटाफट हाथ से जोड़ लो, वहां इनकी टेस्टिंग रिपोर्ट जल्दी मंगा लो ताकि सही आंकड़े आ जाए और हम पुख्ता इंतजाम कर सके। सर इसी बीच में जब कोरोना वायरस देश में दस्तक दे चुका था, वहीं इसी बीच शिवराज जी ने मिनी मंत्रिमंडल जो इनका गठन किया है, सर इसके बारे में आप कैसे देखते हैं? देखो ये तो दुर्भाग्य, अभी हम बोलेंगे तो बोलेंगे लो साहब अभी राजनीति कर रहे, अरे इस डरे हुए मुख्यमंत्री शिवराज ने छटाक भर मंत्रिमंडल बनाया है जिसके निर्णय की वैल्यू भी नहीं रहेगी। संविधान में स्पष्ट धाराओं का उल्लेख है कि कितनी संख्या हो उस मंत्रिमंडल का निर्णय मान्य होता है, ये सारी की सारी चीजें हवा में उड़ जाएंगे इनका निर्णय। अब ये मंत्रिमंडल भी ढंग से नहीं बना पाए, प्रदेश की रक्षा भी ढंग से नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये अपने बाहुबल पे विश्वास खो चुके हैं। जो व्यक्ति खरीद फरोख्त करके सरकार को बनाया हो उस आदमी का कैलिवर कितना हो ये आप और हम प्रदेश की जनता समझ सकती है। इन्हें तो जल्दी पड़ी थी अब मंत्रिमंडल बनाने की, गोवा कर्नाटक मध्य प्रदेश यहाँ जनाधार खो चुके थे, लेकिन 15 साल के भ्रष्टाचार में इतनी दौलत कमा ली कि विधायकों को खरीद फरोख्त करके सरकार बनाने का
खेल चालू कर दिया, लेकिन अपने प्रदेश संक्रमण काल से गुजर रहा उधर ध्यान नहीं गया इनका। उल्टे इन्होंने जब हमारे स्पीकर नर्मदा प्रसाद प्रजापति ने जब 16 तारीख को मार्च को विधानसभा में घोषणा की कि मैं विधानसभा आगे नहीं चलाऊंगा, सोशल डिस्टेंसिंग की हमको करके रखना पड़ेगी, गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा, तब इन्होंने हंसी उड़ाई थी। शिवराज चौहान ने, अरे वाह, एमपी प्रजापति और कमलनाथ तो ज्योतिषाचार्य हो गए, यदि उनकी बात मान लेते। 12 फरवरी को मेरे नेता राहुल गांधी ने दिल्ली की सरकार को, केंद्र सरकार को आगाह किया था, उन्होंने भी 23 मार्च तक लोकसभा चलाई नरेंद्र मोदी ने। किसी के अच्छे सुझाव मानने का इनमें मात्र ही नहीं है। ये सबसे ज्यादा विद्वान नरेंद्र मोदी और शिवराय अपने को समझते हैं, इसलिए देश और प्रदेश के इतने बुरे हालात। सर, जो ये मिनी मंत्रिमंडल स्थापित किया गया है, गठन किया गया है, इसके अंदर नरोत्तम मिश्रा जी को स्वास्थ्य मंत्री दिया है, स्वास्थ्य विभाग दिया गया है, सर इसको कैसे देखते हैं कि क्या मध्य प्रदेश की स्थिति जो लगातार खराब होते जा रही है, वो क्या इसे कंट्रोल किया जा सकेगा? देखिए, यदि मन पवित्र हो, दृढ़ इच्छा शक्ति हो और कुछ करने का साहस हो, तो जब आदमी चट्टान तोड़ के पानी निकाल लेता है, तो अब तो तमाम सारी सुविधाएं हैं हमारे पास। नरोत्तम मिश्रा, ये तो किस्मत की बात है, सारी कोशिश आरंभ की नरोत्तम मिश्रा ने हमारी सरकार गिराने की, खरीद फरोख विधायकों की करने की, पैसा नरोत्तम मिश्रा ने लगाया, लेकिन किस्मत शिवराज की अच्छी, शिवराज को हाईकमान ने बना दिया भाजपा के। अब पहले भी स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं नरोत्तम, ठीक है, संभाल ले, हमारी तो शुभकामना है कि ढंग से संभाल लो, कोई मौत हमारे प्रदेश में ना हो। जो सहयोग विपक्ष से चाहते हो और उत्तम मिश्रा और सूर्य देने के लिए सर तैयार। सर एक आखिरी सवाल, कल कैलाश विजयवर्गीय का जन्मदिन था और उसी जन्मदिन के दौरान ही उन्होंने अपने घर पर ही धरना प्रदर्शन करा है। उनका कहना है कि ममता बनर्जी जो है वो पक्षपात कर रही हैं जनता से पश्चिम बंगाल की, और जो केंद्र से आई जो सरकार थी उनके साथ में भी उन्होंने पक्षपात किया है, उनको सहयोग नहीं कर रही है, जो वहां का राशन लोगों तक पहुंचना चाहिए वो लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, इस तरीके के लगातार उन पर अपराध लगाए हैं। क्या है, कोई रिकॉग्नाइज तो कर नहीं रहा इनको। जन्मदिन का प्रोपोगंडा करना था तो नौटंकी करने धरने पे बैठ गए। ये तो उसमें का आदमी कि ट्रम्प कुछ करेगा अमेरिका में तो इंदौर की सड़क पर धरना देगा, ममता बनर्जी कुछ करेगी बंगाल में तो, अरे भैया, अरे दमखम में तो जाता क्यों नहीं भाई, बंगाल में जाके धरना दे तो इंदौर में धरना देते क्या? क्योंकि लोगों का ध्यान आकर्षित करना कि आज मेरा जन्मदिन है, मेरा फोटो देखो मीडिया में, चैनलों में, ये उसमें का पाखंडी आदमी है, इससे क्या होता है? इंदौर में धरना दे देगा, कौन सा तूने महान काम कर दिया भाई? विरोध करना तो वहां जाके करो। सर उनका कहना है कि इस जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है तो उसका पालन कर रहे हैं प्रजातांत्रिक तरीके से, और केंद्र का जो ध्यान है वो इस तरफ आकर्षित कर रहे हैं अपने घरों में ही रहकर, उनका ये कहना था कल। और लोग भी आ रहे जा रहे हैं जनता की समस्याओं के लिए, और भी लोग आ रहे जा रहे हैं जहां आवश्यक है, जन नेता की, राजनेता की जहां जहां आवश्यकता है वहां पे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनके तरीके घर में बंद होकर बैठ रहे हैं, लॉकडाउन का पालन करते हुए भी दो जज आई सुप्रीम कोर्ट के, 2000 किलोमीटर चल के गए कि नहीं, अखबार में छपा। अरे जहां आवश्यकता है वहां जाना पड़ेगा, लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं होता है, बनते हैं पासेस, बन रहे हैं आने जाने की सुविधा के पास, बन रहे हैं, चाहिए वहां बैठ के करिए गरीब जनता की सेवा, तब लगेगा, हवा हवाई लेता गिरे थोड़ी काम चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम केनन से जुड़ने के लिए आपका। थैंक यू।